लास्ट वीक की बात है जब मैंने और मेरे दोस्तों ने सोचा कि आज तो कुछ तूफानी कर ही देते हैं, तो उसके बाद हमने स्कूबा डाइविंग के बारे में सोचा। तो बस उसी के साथ हमने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि स्कूबा डाइविंग आखिर कर कहां सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चला कि बैंगलोर के पास ही मुर्देश्वर है, जिसके पास नेत्रानी आइलैंड में स्कूबा डाइविंग करवाई जाती है। तो बस उसके बाद हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि किन से स्कूबा डाइविंग की जा सकती है। बहुत ज्यादा रिव्यूज पढ़े, बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स कंपनीज देखी कि किनके द्वारा हम स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। एंड इन द एंड जस्ट डाइव वालों के साथ हमने कॉन्टेक्ट किया, जिनका पैकेज हमें कंपेरेटिवली काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और उसके अलावा इन्होंने हमें काफी ज्यादा डिस्काउंट भी दिया था। तो वेल, अगर मैं पैकेज की बात करूं तो इनका फुल पैकेज 4500 के अराउंड था, जिसमें स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, बोट राइड टू नेत्रानी आइलैंड, रिफ्रेशमेंट्स एंड अंडरवाटर फोटोज एंड वीडियोस शामिल थे। मतलब सबसे पहले हमने बैंगलोर टू मुर्देश्वर के लिए एक बस ली थी, जो कि नाइट में ट्रेवल कर रही थी, और उसका प्राइस अराउंड 850 के अराउंड था। और इस बस में हम रात के 9 बजे के अराउंड माराथली से बैठे थे, और सुबह इसने 7:30 के अराउंड मुर्देश्वर उतार दिया था। और इस ट्रिप में मेरे साथ दो और लोग भी थे, रुचि और ऋत्विक। मुर्देश्वर पहुंचने के बाद हमने एक ऑटो करवाया, जो कि हमें डायरेक्टली होटल तक ले गया, जिसने हमसे 100 रुपीज लिए थे। और इस जगह का नाम था सी व्यू बीच रिजॉर्ट। इसमें हमें एक रूम कॉम्प्लीमेंट्री मिला था फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद जब हम स्कूबा डाइविंग के लिए रेडी हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने हमसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया था। और हम एक्चुअली उस टाइम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम पे पूछे, जिसमें मेजर क्वेश्चन ये था कि अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती तो क्या वो ये चीज कर सकता है या नहीं। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती तब भी आप स्कूबा डाइविंग बहुत आसानी से कर सकते हो। देन उसके बाद उन्होंने हमें कॉस्ट्यूम्स भी दिए थे, जो कि ऑप्शनल थे, जिसका प्राइस अराउंड 500 के अराउंड था। एंड देन फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज के बाद हम निकल गए। तो सबसे पहले उन्होंने एक बोट अरेंज की हुई थी, जो कि हमें डायरेक्टली नेत्रानी आइलैंड की ओर लेकर जाती थी, तो हम तीनों ही उस पर जाकर बैठ गए। वेल, हमें बोट में इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि हम सब लोग आगे जाकर बैठ गए, और आगे हमारे साथ थे हमारे कैप्टन साइन। तो जब हम बोट में बैठे हुए थे, तो उसके बाद हमें ये चीज पता चली कि हमें कम से कम 1 घंटे के अराउंड टाइम लगेगा नेत्रानी आइलैंड तक पहुंचने के लिए। तो उसी बीच हमने बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक किए, उसके बाद उन्होंने रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड की थी, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें थी। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बहुत मना किया होता कि आप पहले मत ही खाइएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाद में ये चीज आपके लिए खराब हो सकती है। एंड वेल, फाइनली हमें नेत्रानी आइलैंड पास से दिखने लग गया। तो उसके बाद एक्चुअली हमारे कैप्टन जो थे, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू किया कि जब आप स्कूबा डाइव कर रहे होंगे तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान देना है। वेल, ट्रेनिंग हो जाने के बाद उन्होंने हमें रेडी होने के लिए बोल दिया, जिनमें उन्हीं के कुछ लोग थे जिन्होंने हमें प्रॉपर ड्रेसअप करवाया था, एक सिलेंडर पीछे बांध दिया था, और उसके अलावा लाइफ जैकेट पहना दी थी, और जितना भी जो जो चीजों की जरूरत थी उस टाइम पे हमारी लाइफ सेव करने के लिए, उन्होंने वो सब चीजें हमें पहना दी। और इंडियन हमें पुश कर दिया ताकि तुम डुबकी मार के नीचे जाओ। पर देखने में ये चीज बहुत ज्यादा इजी लग रही होगी कि बैक जंप कितनी आसानी से कर लिया, लेकिन उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि बैक जंप हम कैसे करेंगे। लेकिन जब एक बार हमने कर लिया, तो उसके बाद हमें रियलाइज हो गया हम ऊपर ही आ चुके हैं। पता भी नहीं चला कि किस टाइम पे हमने बैक जंप किया और किस टाइम पे पानी से ऊपर हम आ गए। लेकिन हाँ, ये चीज करने में बहुत ज्यादा मजा आया था। और उसके अलावा जो मेरे कैप्टन थे, कैप्टन साहब, तो उन्होंने बोला कि 2-3 बार तुम नीचे देखो। तो जब मैं नीचे देख रहा था, तो प्रॉपरली बहुत ज्यादा फिशेस उस टाइम पे दिख रही थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर उन्होंने मुझे ऊपर खींच लिया। जब ऊपर खींचा तो मैंने ऊपर थोड़ा सा सांस लेना शुरू कर दिया। उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ प्रोसेस बताया हुआ था कि मैं उस पाइप के थ्रू किस तरह से सांस लूंगा, तो मैं वही सब चीजें कर रहा था। 2-3 बार उन्होंने ऐसे किया, और जब मैं फाइनली नीचे गया, मैं वो फीलिंग आपको बता ही नहीं सकता कि किस तरह से मुझे वो प्रॉपरली फील आ रही थी। लाइक इट वॉज अ सरियल एक्सपीरियंस। मैं शब्दों में वो चीज बता भी नहीं सकता कि किस तरह का उस टाइम पे लग रहा था। एक एक चीज लाइक यू नो प्रॉपरली डिफरेंट वर्ल्ड लग रहा था कि अंडर वाटर जाकर लाइक टोटली नई चीजें एक्सप्लोर करना। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, जिसके कारण मुझे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन सब चीजों को देखते हुए। Thank you.
वहां पर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं आपको ये चीज भी कहूँ कि बहुत ज्यादा चीजें स्लो हो चुकी थी, जैसे कि मैं अगर अपने हाथ भी टच कर रहा था ना तो बहुत ही ज्यादा स्लो स्लो हाथ टच हो रहे थे। मैं किसी फिश को पकड़ रहा था तो वो मेरे हाथ से जैसे निकल रही थी। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। नीचे बहुत ही ज्यादा स्टोन्स पड़े हुए थे, मैंने बहुत ज्यादा स्टोन्स अपने हाथ में उठाकर देखे। ये सारा का सारा एक्सपीरियंस था मेरा स्कूबा डाइव का, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। उसके बाद जब मैं बोट में वापस आया तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, तो जो भी उन्होंने रिफ्रेशमेंट्स वहां पर रखी हुई थी मैंने सबसे पहले वो खाई। एंड टू बी ऑनेस्ट बीइंग अ पंजाबी, मैं वहां पर बिना शर्म के खा रहा था, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, तो जो जो भी वहां पर चीजें पड़ी थी मैंने सब चीजें खाई। तो वेल जब हम वापस आए, सब खाना पीना हो गया, तो उसके बाद टाइम था स्नॉर्कलिंग का। स्नॉर्कलिंग के लिए भी हमें 20 से 30 मिनट का टाइम दिया गया था कि तुम कर सकते हो एक्सप्लोर। तो उसके बाद मैं और मेरे दोस्तों ने स्नॉर्कलिंग करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप मुझे देख ही रहे कि थोड़े टाइम के बाद जब मैंने सारी चीजें कर ली तो मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया, वहीं पे बैठ के मैं सो गया। तो सारी की सारी चीजें हो जाने के बाद अब टाइम था वापस जाने का। तो वापस जाने के लिए उन्होंने हमारे लिए स्पीड बोट अरेंज की हुई थी। वो एक्सपीरियंस सिर्फ फील ही किया जा सकता है जो हम उस टाइम पे कर रहे थे। और मैं ये सबको चीज सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी भी आइलैंड या फिर कभी भी सी या फिर ओशन में जा रहे हो तो हमेशा स्पीड बोट का यूज कीजिएगा। फेरी या फिर एकदम सिंपल बोट पर ना ही जाएगा, उसको इग्नोर ही कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर होगा। और वेल इन दी एंड जब हम वापस आए तो जस्ट डाइव वालों ने हमारे लिए एक रूम का अरेंजमेंट किया हुआ था जहां पर हमें कुछ टाइम दिया गया था फ्रेश होने के लिए। फ्रेश हो जाने के बाद अब बारी थी बैंगलोर वापस जाने की। तो जब हम होटल से निकले तो सबसे पहले हमने सनसेट को एंजॉय किया। सनसेट के बाद हम मुर्देश्वर शिवा टेम्पल चले गए, वहां पर जाकर हमने दर्शन किए। अब मैं अगर आपको इसी ट्रिप के ब्रेकडाउन के बारे में बताऊं तो ये सारी की सारी ब्रेकडाउन थी जो कि मेरी इस ट्रिप में हुई थी। तो वेल अगर आप भी स्कूबा डाइव के लिए जाना चाहते हो और आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट टू ज्वाइन जस्ट डाइव। जस्ट डाइव से कॉन्टेक्ट करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।